हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रिंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में इस पर आ जाते हैं माई फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है, बड़े ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने हैं यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाते हो तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। आपके मार्क्स क्या है ना, यू डोंट स्कोर लेस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन, है ना माय फ्रेंड्स। तो आज का ये टॉपिक है हमारा जुडिशियल रिव्यू। इसके पहले हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था और वो तीनों पार्ट्स ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट उस रिलेशंस के हम इन डिटेल में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था कि फर्स्ट था हमारा सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस था, और सेकेंड था हमारा सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और थर्ड था हमारा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। तो हमने वहाँ पर देखा कि हर जगह हमने प्रूफ किया कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट विद ए यूनिटरी टिल्ट। ये हमने सब तरफ प्रूफ किया सेंटर स्टेट रिलेशंस में, सब तीनों पार्ट्स में हमने प्रूफ किया। तो ये तीनों पार्ट्स मैंने क्यों गिराए थे, मैंने आपको बोला था कि आपके जब प्रिपरेशंस के लिए बैठो आप तो आपको क्या है ना कि लोड नहीं आना चाहिए, आपके सब कॉन्सेप्ट्स को ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना चाहिए, है ना। तो सेंटर स्टेट पे मैं एक ही लेक्चर बना सकता था बट नहीं। तो इस जुडिशियल रिव्यू में भी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर मैंने जब लिया था आपका, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में भी मैंने जुडिशियल रिव्यू को भी वहां पर लिया होता बट मैंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूं मैं। आपके कॉन्सेप्ट्स बिट वाइज क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर नहीं होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर होते हैं माय फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका बिट जो कीवर्ड्स होता है वह छूट जाता है और आपके वहां पर स्कोर लेस हो जाता है, है ना। तो वही यूपीएससी पूछता है, जहां पर आप वीक हो वही यूपीएससी आपको पूछेंगे, ये ध्यान में रखना माय फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करने से पहले अकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कारण यूपीएससी सीएसई 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए लाया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले, सुनने को मिलने वाले, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए अकेडमी को, ये प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल का फायदा उठाइए, जिसमें स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल होंगे और 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे माय फ्रेंड्स। और ये दूसरा बड़ा ऐलान, दूसरी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। जो भी आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में जो पेपर 1 होता है, जिसमें उतने पोर्शन होता है उस पेपर 1 सब्जेक्ट का, जितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें, तो वो ही आपको यहाँ पर पोर्शन रहेगा, वही सिलेबस आपको रहेगा, वही सिलेबस का आपको स्टडी करना है। और इसके वजह से आपके प्रीलिम्स में भी आपका क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका स्टडी हो जाएगा और रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप देना चाहते हो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स सीएससी एग्जामिनेशन, तो माय फ्रेंड्स तो मैं आपको बोला देना चाहता हूँ कि फ्रेशर्स को कैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी, किस फॉर्मेट्स पर आ सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत ही क्या कन्फ्यूजन होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, फ्रेशर्स को खास करके। तो ये यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 मॉक टेस्ट के थ्रू आपके ये सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको पेपर का फॉर्मेट मिल जाएगा, तो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी, तो वो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो उस मॉक टेस्ट में, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप तो टॉप 25 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 3 मंथ्स का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो होता है पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो इतना ही नहीं, यू हैव इन अ चांस टू मीट इस यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स के साथ आप मिल सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज कैसी थी, उन्होंने कैसी पढ़ाई की थी, किस स्ट्रेटेजीज से पढ़ाई की थी और कैसी पढ़ाई की थी और कैसे क्वेश्चंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस लॉजिकली वो सॉल्व करते थे, तो वो आपको सब गाइडेंस मिल सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है माय फ्रेंड्स, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। तो ये आप कब दे सकते हैं ये मॉक टेस्ट, तो वो दे सकते हैं आप 20 सितंबर को, 24 सितंबर को। और याद रखिए कि इसे इनरोलमेंट की फीस भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके इनरोलमेंट की लिंक, इस मॉक टेस्ट के इनरोलमेंट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से जाकर आप इनरोल कर सकते हैं यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 मॉक टेस्ट को। तो जल्द से जल्द इस चैंपियनशिप मॉक टेस्ट को इनरोल कीजिए और फायदा उठाइए माई फ्रेंड्स।
और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को, और आप अपना प्रिपरेशन एकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स को? लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है इंडिया के, और एग्जॉस्टिव कवरेज और सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डॉक्टर ट्रेनिंग सेशन आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप में, और पीडीएफ जो होता है स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स को, कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी का नहीं, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर देते हो आप, तो आंसर राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए उस पर आपके सेशंस जरूर होने चाहिए। तो उस पर आपको एक स्ट्रेटेजीज वहां पर मिलनी चाहिए। तो कैसे? अगर आप आंसर्स अच्छा लिखेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा देंगे माय फ्रेंड्स, तो आपको क्या होगा ना, वही आपका स्कोर वहां पर बढ़ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस उसी पॉइंट्स पर ज्यादा क्लियर होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स कैसे क्रैक कर सकते हैं थ्रू आंसर राइटिंग, है ना माय फ्रेंड्स। तो आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो भी आपको मिल जाएगा इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी बहुत मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, एंड डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्जाम्स के लिए। तो इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी अकेडमी आपके कर दे रहा है, इसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, किस सेक्शन में आप वीक हो, किस सेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गिरा सकते हो, किस सेक्शन में आप स्ट्रांग हो माय फ्रेंड्स, तो वो भी आपको एनालिसिस कर देंगे अकेडमी। और सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स, कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक ईच एंड एवरीथिंग आपके सब पॉइंट्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं माय फ्रेंड्स। तो देर ना करिए, और ये अगर आपने देर की तो पहले ही 7 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, जो कि 3 मेन लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा देर करते तो आपको ये बैचेस भी आपके छूट जाएंगे। तो ये बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, जी बिलिंगुअल जीएस वर्जन में भी आप सीख सकते हैं, हिंदी वर्जन में आप सीख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में आप सीख सकते हैं, फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा, प्रीलिम एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन, मींस आपको सब कुछ यहाँ पर आपके सब सेटिस्फाई हो रहा है सब पॉइंट्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी के इन कोर्सेज को, और सिर्फ इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, रोज 7:30 शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 40 मार्क्स और टेस्ट एनालिसिस के भी तैयार हो जाए माय फ्रेंड्स। और अगर आप क्या करना चाहते हैं ना इस मॉक टेस्ट को, और सॉरी इस बैचेस को आप क्या करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाता है, मीन्स अगर आपको 24 मंथ्स पर 64,000 पे करने पड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए माय फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अकेडमी के कोर्सेज को, और आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, जिसके वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 24 मंथ्स पे भी नहीं, 12 मंथ्स पर, 3 मंथ्स पर, 2 मंथ्स पर, 1 मंथ पर, सब तरफ आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। और एक बात, क्या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंडरिटन नोट्स सब कुछ अवेलेबल होगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का अवेलेबल होगा, हैंडरिटन नोट्स अवेलेबल होंगे, सब कुछ। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पॉइंट। तो आज का पॉइंट है हमारा जुडिशियल रिव्यू माय फ्रेंड्स। अब जब हम जुडिशियल रिव्यू को देखना होता है ना माय फ्रेंड्स, तो फिर हम फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज फंडामेंटल इन द फंडामेंटल राइट्स, किससे कहते हैं भाई फंडामेंटल? ये फंडामेंटल राइट्स आप बोल सकते हो, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ये फंडामेंटल राइट्स है, बट ये फंडामेंटल मीनिंग क्या होता है भाई, ये फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है माय फ्रेंड्स? कि यहां पर बोला गया है कि इट इज अ लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटली मींस इट इज अ लॉ ऑफ लैंड, और इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको गारंटीड राइट्स ये देता है। तो इसे ही कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स, इट इज अ लॉ ऑफ लैंड, ये लॉ ऑफ लैंड है, इसे ना कोई चेंज कर सकता है, ये आपका अधिकार है, इससे आप दूर नहीं हो सकते और कोई नहीं छीन सकता इस राइट्स को आपसे। तो ये आपका जब जन्म लेते हो आप इंडिया में, तब से आपकी ये फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं, तो तभी से आप ये फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक अपना जीवन जी सकते हैं, आपका जीवन पर कोई आंच नहीं आएंगी, ये फंडामेंटल राइट्स आपके कोई भी स्टेट्स क्या नहीं कर सकेंगे, ले नहीं सकेंगे माय फ्रेंड्स। तो इट इज़ ए लॉ ऑफ लैंड, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक गारंटेड राइट्स देता है। तो ये Part 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और फंडामेंटल राइट्स में माय फ्रेंड्स के आप देखो ना मेरा वीडियो, तो उसमें आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से
मैंने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है वहाँ पर। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखे कि ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखो और पार्ट 3 देखो तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फंडामेंटल राइट्स और ये गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये आदमी ये सिटीजन को दिए गए हुए फंडामेंटल राइट्स इसे कोई नहीं छीन सकता और ये अगेंस्ट द स्टेट, इसे स्टेट इन्फोर्स नहीं कर सकती, इसे स्टेट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है ना, और इसे स्टेट, इस राइट्स पर स्टेट का कोई अधिकार नहीं होता, ये ध्यान में रखिए है ना माय फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने यूएसए से, समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने यूएसए से। तो यूएसए से फर्स्ट जो 1 to 10 बिल ऑफ राइट्स है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, वही हमने अडॉप्ट किए हैं, वही पूरी कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किए हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या करी है, ऐड की है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर देखो फंडामेंटल राइट्स को, तो 1 to 10 बिल ऑफ राइट्स आप देखो, 1 to 10 बिल ऑफ राइट्स अगर आप देखो यूएसए के, तो इट इज ए टोटली सेम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने ऐसे के ऐसे क्या कर दिया है, अडॉप्ट कर दिया है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो क्या समझे आप फंडामेंटल राइट्स क्या है, इट इज ए लॉ ऑफ लैंड है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गारंटीड राइट्स देता है सिटीजन को, सिटीजन्स को यहाँ पर कोई भी आंच नहीं आएंगी, यहाँ पर राइट्स सिटीजन के छीनने नहीं जा सकते और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखना चाहो ये फंडामेंटल राइट्स का है तो ये पार्ट 3 में आपको मिलेगा, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है और अगेंस्ट द स्टेट है, इट इज नॉट इन्फोर्स बाय द स्टेट, ये ध्यान में रखिए। और ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, फर्स्ट 1 to 10 बिल ऑफ राइट्स जो होते हैं यूएसए के वही हमने डायरेक्टली अडॉप्ट किए हैं और हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं माय फ्रेंड्स। तो हम एक एक करके डिफिनेशन ऑफ स्टेट, अब डिफिनेशन ऑफ स्टेट मीन्स इट इज आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 डील्स विद द डिफिनेशन ऑफ स्टेट माय फ्रेंड्स। तो डिफिनेशन क्या होती है ना, ये आर्टिकल 12 में सबसे पहले जब से जहाँ से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है माय फ्रेंड्स, वहाँ हमने क्या है आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, दैट इज आर्टिकल 35 है ना, जिसमें तीन एक्सेप्शन राइट्स है, दैट इज 33 to 35 एक्सेप्शन राइट्स है माय फ्रेंड्स। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है इसे हमारे फंडामेंटल राइट्स के वीडियो में, जरूर जाकर देखें। और ये डिफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 पहला ही राइट जो फंडामेंटल राइट्स का है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं देता, ये स्टेट्स को डिफिनेशन देता है, स्टेट्स की डिफिनेशन यहाँ पर बोलता है माय फ्रेंड्स। तो अब हमने आर्टिकल 12 में स्टेट्स की डिफिनेशन बताई है, तो आपने तो बोला है ना ये फंडामेंटल राइट्स इज अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेट्स यहाँ पर इन्फोर्स नहीं कर सकता है ना, स्टेट्स यहाँ पर कोई टच नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को है ना माय फ्रेंड्स, स्टेट्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स। तो आपके अकॉर्डिंग स्टेट की डिफिनेशन तो बताइए, तो आप बोलते हैं ना स्टेट इज इट इज फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट है ना, स्टेट यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकता, स्टेट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स है ना। तो यहाँ पर तो स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपके आर्टिकल 12 से 12 के अकॉर्डिंग आपके फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग तो आपके स्टेट्स के डिफिनेशन तो बताइए है ना। तो व्हाट इज मीन बाय स्टेट्स, क्या कहते हैं स्टेट्स को मैन, तो स्टेट इज नथिंग बट इट इंक्लूड्स इंडियन गवर्नमेंट्स ऑल्सो है ना, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच गवर्नमेंट एंड लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब चीजें क्या होते हैं ना स्टेट्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखो ना कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं स्टेट्स वायलेट करता है तो वो कर नहीं सकता, हमने अभी डिस्कस किया है। तो फंडामेंटल राइट्स, तो अगर स्टेट्स वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी आपके फंडामेंटल 12 to 35 जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स दे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 12 to 35 एक भी फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट क्या करता है, वायलेट करता है, तो आप डायरेक्टली जाओगे, कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और आप अगेंस्ट स्टेट जा सकते हैं है ना, इट इज नॉट इन्फोर्स बाय द स्टेट, हमने कई बार डिस्कस किया है ना। तो आर्टिकल 12 से आप क्या समझे कि इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, समझ गए, ये होती है डिफिनेशन ऑफ स्टेट। अब आते हैं हम आर्टिकल 13 में, तो आर्टिकल 13 में हमने क्या लिखा गया है माय फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 13 में इट डील्स विद द डिफिनेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स को आपको दिया नहीं गया है, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 इज टोटली डिपेंड ऑन देयर स्टेट्स है ना। तो आर्टिकल 12 में इज टोटली डिपेंड ऑन द डिफिनेशन ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 13 में इज टोटली डिपेंड ऑन द डिफिनेशन ऑफ लॉ है ना। अब यहाँ पर भी राइट्स नहीं दिए गए हैं, आप यहाँ पर आर्टिकल 13 में लॉस की डिफिनेशन बोली गई है, तो क्या लॉस की डिफिनेशन बोली गई है माई फ्रेंड्स, कि स्टेट शॉल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड लॉ मेड इन कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ दिस क्लॉज shall to the extent of the contraventions be avoid na be void na my friends। to kya ab yahan par kya bola gaya hai na ke ab yahan par aap dekho to yahan par state ki definition nahi boli gayi hai hai na, ye statement se hi aapko pata chalta hai ki yahan par state ki definitions nahi boli gayi hai, yahan par states ko bola gaya hai ki aapne kya nahi karna chahiye hai na,
आपको लॉ कैसे नहीं बनाना चाहिए, आपको लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाना चाहिए, आपको कौन से लॉ बनाने नहीं है आगे चलकर, स्टेट्स आपको कौन से लॉ बनाना नहीं है, यही फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि आपको ये लॉ बनाने नहीं है, ये आपको काम करना नहीं है ना माय फ्रेंड्स। तो अब अगर स्टेट स्टेट्स ने बना दिया, समझो कौन से लॉ बने नहीं बना सकता स्टेट, जिसमें होता है एब्रिवेशन, जिसे होता है जिसमें कॉन्ट्रावेंशन होता है ना, तो वो स्टेट्स लॉ नहीं बना सकता, ये ध्यान में रखिए। इट टेक्स अवे एब्रिजेस द राइट, इट इज अपोजिशन में, फंडामेंटल राइट्स के अपोजिशन में जो भी लॉ होगा वो स्टेट्स बना नहीं सकता। अगर बाई चांस समझ लो, अगर स्टेट्स ने लॉ बना ही लिया फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ये लॉ बना लिया, तो जिसमें कंट्रावेंशन से एब्रिवेशन से है ना, तो इट शैल बी डिक्लेयर एज वॉइड, क्योंकि हमने देखा है अगर कॉन्ट्रावेंशन स्टेट्स के बनाए हुए लॉ में नजर आए, एब्रिवेशन स्टेट्स के बनाए हुए लॉ में नजर आए, तो क्या होता है ना, इट शैल बी वॉइडेड। तो कौन वॉइड कर सकता है इसे, कौन वॉइड कर सकता है माय फ्रेंड्स, तो वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही वॉइड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ वॉइड है ना अगेंस्ट द स्टेट, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, समझ रहे हो। आपको आर्टिकल 13 में भी मैंने जुडिशियल रिव्यू की पूरी डिफिनेशंस बता दी है ना, थ्रू डिफिनेशन ऑफ लॉ। अगर स्टेट्स को ये डिफिनेशंस, ये लॉज नहीं बनाना है जिसमें कॉन्ट्रावेंशन है, जिसमें एब्रिवेशन है ना, तो अगर ये स्टेट्स बाय चांस बना लेता है तो इसे वॉइड कर सकते हैं। इसे वॉइड कौन कर सकता है, तो इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया, द प्रोसेस ऑफ दिस वॉइडिंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू माय फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्या है कि अल्ट्रा वायरस क्या है। अल्ट्रा वायरस ही बहुत ही एक क्या होता है ना, इट इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें से आपको क्या समझ आएगा, डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू समझ आएगा। तो एनी लॉ विच टेक अवे वायोलेशन, विच टेक अवे एब्रिजमेंट, विच टेक अवे कॉन्ट्रोवेंशन आर कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो ये एलिमेंट्स वायोलेशन, एब्रिजमेंट, कॉन्ट्रोवेंशन, ये एलिमेंट्स अगर आपके लॉज में प्रेजेंट है विच इज मेड बाय स्टेट्स, तो ये क्या हो सकता है, इट इज कॉल्ड, है ना। तो उसमें हमने क्या किया, उसे वॉइड प्रेजेंट कर दिया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या कहते हैं, उसे नल एंड वॉइड और स्ट्रक डाउन हमने डिक्लेयर कर दिया। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग नल एंड वॉइड एंड स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इससे हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं, जिससे वायोलेशन, एब्रिजमेंट, कॉन्ट्रोवेंशन, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिफरेंट वर्ड दिया गया है जिसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं हम। तो ये अल्ट्रा वायरस को अगर नल एंड वॉइड एंड स्ट्रक डाउन अगर करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो उसे ही कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। इज नथिंग बट नन अदर देन जुडिशियल रिव्यू, समझ रहे हो। अब आगे देखेंगे ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज क्या होता है ना, क्या पावर्स होते हैं जुडिशियल रिव्यूज के, हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसको दिया गया है, किसे कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, के ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसके हाथ में दिया गया है, तो दिया गया है कोर्ट्स में। तो कौन से कोर्ट्स होते हैं इंडिया में, तो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, हमें मालूम है, जो कि कोर्ट से जो कि उच्च सर्वोच्च न्यायालय है हमारा वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑब्वियसली ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया का, तो उन्हें हाईएस्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिए गए होंगे, है ना, ऑब्वियसली ना, उन्हें हाईएस्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिए गए होंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है इज लेस देन द सुप्रीम कोर्ट, तो ऑब्वियसली उन्हें लोअर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिए गए होंगे, है ना। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये कोर्ट्स में दिए गए हैं, कोर्ट्स के हाथों में दिए गए हैं कि आप इसे जुडिशियल, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेट होता है, जिसमें एब्रिवेशन नजर आता है, जिसमें कॉन्ट्रावेंशन नजर आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं, है ना, आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने किसके हाथ में दिया है, वो दिया है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में और हाई कोर्ट के हाथ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हाई पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है और हाई कोर्ट को लो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हो। अब हम लास्ट पार्ट की ओर मुड़ते हैं माय फ्रेंड्स, के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये बहुत ही स्मॉल लेक्चर्स था हमारा, बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में और यूपीएससी मेंस में माय फ्रेंड्स। तो अब आते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं नाउ सॉरी। तो ये जुडिशियल पावर एब्सोल्यूट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये सवाल यहां पर पैदा होता है कि मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि ये जुडिशियल पावर एब्सोल्यूट है क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ
को अगर ये स्टेट्स ने बनाया है किसी भी लॉ को, अगर उसमें कॉन्ट्रोवर्शंस नज़र आता है, उसमें वायोलेशंस नज़र आता है, उसमें एब्रिवेशंस नज़र आता है, तो वो किसी भी लॉ को क्या कर सकती है, पावर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है क्या, है ना। तो यहाँ पर बहुत मेजर झगड़ा हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आया, मैं आपको इन हिस्ट्री में लेकर जाता हूँ फिर से। तो यहाँ पर बहुत ही मेजर झगड़ा हुआ था आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में, कि आर्टिकल 13 डील्स विद द जुडिशियल पावर, है ना, जुडिशियल रिव्यू, ये हमने अभी देखा। और आर्टिकल 368 इज अमेंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने देखा कि आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 368 में क्लियरली मेंशन हुआ है, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड, कैन सब्ट्रैक्ट, कैन चेंज एनी प्रोविजंस, एनी पार्ट, एनी आर्टिकल, एनी लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें किस में कहा गया है, कि आर्टिकल 368 में कहा गया है ना। तो आपको ये सवाल आता है ना, आपके दिल में ये सवाल आया होगा कि आर्टिकल 13 में तो हमने ऐसा नहीं कहा है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई टच नहीं कर सकता, है ना, फंडामेंटल राइट्स इज इन्फोर्स इज अगेंस्ट द स्टेट, है ना। और आप आर्टिकल 368 में बोल रहे हो कि यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या हुआ भाई, कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ ना, तो आर्टिकल 13 कैन टच आर्टिकल 368, ये क्वेश्चन यहाँ पर निर्माण हुआ है ना, आफ्टर द केस ऑन द भारती केस ना। तो इस केस में क्या हुआ कि एक नई कॉन्सेप्ट को लाया गया, वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसी के ऊपर था केस वन ऑन द भारतीय केस, के आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 में कन्फ्लिक्ट हुआ था। कि आप आर्टिकल 13 में बोलते हो कि हमें सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो कोई टच नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, और आप अगर आर्टिकल 368 में बोल रहे हो कि यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आफ्टर द केस वन ऑन द भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हुआ था 1973 में, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को क्या किया गया माय फ्रेंड्स, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई कि यू कैन अमेंड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन चेंज एंड यू कैन ऐड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माय फ्रेंड्स, है ना। तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यहाँ पर ध्यान में रखना कि बट यू कैन नॉट चेंज the basic structure of the constitution, you cannot change the basic structure of the doctrine of the Indian constitution, आप basic structure of the constitution नहीं change कर सकते, है ना, समझ में आ रहा है। अब जो होता है ना कि 24 अप्रैल 1973 के पहले ये basic structure of the constitution, ये basic structure of the doctrine सिर्फ judicial review means article 13 के लिए ही सीमित था, article 13 के लिए ही limited था, हाँ। but आफ्टर द 1973, 24 अप्रैल 1973 जो भी लॉज बने हैं आफ्टर द 24 अप्रैल 1973, तो इन नाइन्थ शेड्यूल, है ना, नाइन्थ शेड्यूल में जो भी लॉज बने हैं आफ्टर द 1973, 24 अप्रैल, तो उसमें क्या गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमोशन हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सभी पार्ट्स में डाला गया, ऐड किया गया, ये कॉन्सेप्ट को सभी क्या कर दिया लॉज में, नाइन शेड्यूल के लॉज में क्या किया डाला गया, है ना, और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज होने लगा। तो ये कहाँ से गया, ये आईआर कोहिलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, तो आईआर कोहिलो केस को जो है ना माय फ्रेंड्स, के आईआर कोहिलो केस में ये बोला गया कि ये के रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी आपके लॉज बनेंगे, जो भी आपके आर्टिकल्स बनेंगे, सब में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कंपल्सरीली ऐड होगा, है ना। ये कब हुआ कि आयर कोहिलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में, है ना। तो इसे क्या कहते हैं ना, आयर कोहिलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना, तो इसे क्या कहते थे, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है माय फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वो डिस्कवर द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है आयर कोहिलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, है ना। तो ये जजमेंट आया 2007 में, समझ लो इस बात को, ये जजमेंट आया 2007 में, बट हमने इसको क्या किया, अप्लाई किया 1973 में। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी आपके लॉज है, वो सभी लॉज क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ एप्लीकेबल है ना माई फ्रेंड्स। तो हमने जजमेंट लिया 2007 को, बट अप्लाई कर दिया 24 अप्रैल 1973 के बाद में सभी आर्टिकल्स को, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कंसेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने बहुत ही बार डिस्कस किया है ना माई फ्रेंड्स। और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जुडिशियल रिव्यूज क्या होता है, आर्टिकल 12 क्या होता है, आर्टिकल 13 क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इज अगेंस्ट द स्टेट एंड इट इज नॉट इन्फोर्स बाय द स्टेट, है ना।
तो आपको ये लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन होगा, इस टॉपिक पर कोई भी कन्फ्यूजन होगा माय फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियो को और ज़रूर शेयर करना ना भूलें। और माय फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें अनअकैडमी की कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें माय फ्रेंड्स। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।